हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बगीचा ख्वाहिशों का। मैं आज मैं बताऊंगी स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट से कैसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, वही दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए, स्ट्रॉबेरी का प्लांट है मेरा, यहाँ पे दो तीन है, तो उनके जो नीचे रनर्स निकले हुए रहते हैं लटके हुए, तो उनमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें रूट्स रहते हैं। तो उसको लेके आपको कोई छोटी सी पॉट में, या तो आप चाहे तो बड़े से गमले में एक ही साथ चार पांच करके ऐसे करके लगा देना है। तो मैं छोटी छोटी बोरी में ऐसे करके एक एक करके डाल के ऐसे लगा दे रही हूँ। सिर्फ उसकी जो रूट दिख रहे हैं, जहाँ से जो स्प्राउट निकले हैं वहाँ रूट भी होते हैं, तो वहाँ ले जाके कोई छोटी सी ग्लास हो या छोटी सी पॉट या बोरी में आप ऐसे लगा के थोड़ी मिट्टी रख दे, और कुछ दिन बाद ही ये ग्रो हो जाएंगे। और जब ये रूट पकड़ लेंगे तो यहाँ से काट के हटा लेना है, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, इसमें पहले से ही इसमें रूट निकला हुआ रहता है जो स्प्राउट होते हैं, तो इसको तैयार करना बिल्कुल ही आसान है। तो जब आप लोग अगर ऐसे जो रनर्स निकले हुए रहते हैं ये सबको नहीं लगाएंगे तो ये नीचे लटके लटके आखिर सूख ही जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो जब हो जाएगा तो वहाँ से काट लेना है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे निकले हैं, तो मैं तो बहुत सारे पहले मर गए मेरे, लटके हुए थे, मैं लगा ही नहीं। तो अब कुछ निकले हैं जो उसको बरसात आ गई है तो लगा देती हूँ। तो मैंने 5 लगा दिए हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ दिन बाद जब ये लग जाएंगे तब। ये देखिए, 20 से 25 दिन में ये पूरे लग गए हैं, जड़ पकड़ लिए हैं। जिसमें भी लगाई हूँ, छोटी छोटी ग्लास है, 2 बोरी है और 1 कप में लगा दी हूँ, तो ये बहुत ही आसानी से रूट पकड़ लिए हैं और बिल्कुल तैयार हो गए हैं, एक बिल्कुल नया गाछ। तो आप लोग के पास अगर स्ट्रॉबेरी का प्लांट है तो एक प्लांट से ऐसे डिवाइड करके और प्लांट बना सकते हैं। कप में लगाई हूँ तो इसमें होल नहीं है, तो इसलिए ये पानी जम गया, लेकिन प्लांट मरा नहीं है। तो इसको मैं अभी ऐसे ही रखूंगी, कुछ दिन बाद इसको रिपोर्ट करूंगी। तो इसका मिट्टी तैयार करने के लिए जैविक खाद ही बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनिक खाद जो होते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, नीम खलियों डाल उल के, और रासायनिक खाद ना दे तो ही ठीक रहता है। इसमें स्ट्रॉबेरी में जितना ऑर्गेनिक खाद दिया जाता है वही बढ़िया होता है। इसका फल अच्छे से होते हैं, पत्ते अच्छे से होते हैं, थोड़ी गोबर का भी खाद चाहिए इसमें, और जितना से ज़्यादा हो ऑर्गेनिक ही दे, इसमें रासायनिक खाद बिल्कुल ना दे। और देखिए कितने अच्छे से मेरे प्लांट हो गए, 5 प्लांट बन गए हैं। तो मैं जब इसको पॉटिंग करूँगी तो वर्मी कंपोस्ट डालूँगी और नीम खली उली मिला के रिपोर्ट करूँगी बड़े से पॉट में। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसा लगाने का। और ये देखिए क्रिसमस कैक्टस है, तो मेरे पास 2 बड़े बड़े पौधे हैं पॉट में है, तो उसमें बहुत सारे झाड़ी बन गए हैं, तो मैं 2-3 तोड़ के लाई हूँ, ऐसे आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। इसके पत्ते से कितने अच्छे से प्लांट बन जाते हैं, तो जो आप लोगों को पत्ते का ऊपर ऊपर गांठ दिख रहा है वहाँ से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे अगर आप अलग अलग करके लगाएंगे तो भी ये रूट निकल आएंगे। तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं ऐसे लंबी ही लगा दे रही हूँ, लगा के इसको ऐसे मिट्टी में थोड़ी सी दबा दूँगी, और ये जब ग्रो हो जाएंगे पूरे, इसके रूट निकल जाएंगे, तो मैं इसको सीधी कर दूंगी। अभी मैं सुला के लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसे नीचे करके सुला के लगाने से रूट बहुत जल्दी आते हैं, तो मैं जब बड़े हो जाएगा तो इसको सीधी कर दूंगी। तो ये दिसंबर महीने में फूल खिलते हैं इसके, क्रिसमस कैक्टस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ठंडे महीने में ये फूल खिलते हैं। पिंक कलर के इसके फूल होते हैं, सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें ठंडे के मौसम में। तो आप लोग भी लगाइएगा, देखिए बहुत ही आसान है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।